जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाना छोड़ना चाहते हैं पर अपने पिज्जा पे चीज नहीं, आज की रेसिपी उनके लिए है। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज्जा बेस बनाएंगे, जिसके लिए हम एक बर्तन में 2 कप मैदे के डाल लेंगे। उसके बाद हम एक बड़ा चम्मच ड्राई यीस्ट का लेंगे और उसे एक्टिवेट करने के लिए गुनगुने पानी में घोल लेंगे। अब यीस्ट को मैदे में डालने के बाद उसको पानी के साथ गूंद लेंगे। अब हम गूंदे हुए मैदे को 1 से 2 घंटे तक के लिए रख देंगे और तब तक हम चीज बनाते हैं। वीगन चीज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा चम्मच इसबगोल का लेंगे, जिसे सीलियम हस्क या भूसी भी कहते हैं। इसको पानी में घोलकर एक कटोरी में रख देंगे। तब तक हम 2 से 3 बड़े चम्मच सफेद तिल के मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। फिर हम एक मिक्सी में 1 बड़ा कप भिगोए हुए काजू को ग्राइंड कर लेंगे। जब काजू का पेस्ट एकदम स्मूथ हो जाए तो उसमें भिगोया हुआ सीलियम हस्क, तिल का बनाया हुआ पेस्ट और 1 नींबू का रस डालकर एक बार फिर ग्राइंड कर लें। अब ये चीज तैयार है और जब तक पिज्जा पूरा बनकर तैयार होगा ये चीज और भी फर्म हो जाएगा। अब हम पिज्जा सॉस बनाएंगे। हमने 4 से 5 टमाटर काट कर उसकी प्यूरी बना ली है। एक पैन को हम मीडियम सेक पर गरम करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल के डालेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें हम 6 से 7 कटे हुए लहसुन की तुरियां डालेंगे और बारीक कटा हुआ 1 प्याज डालेंगे। इन दोनों चीजों को 2 से 4 मिनट तक भुनने के बाद इसमें टमेटो प्यूरी डाल देंगे और साथ ही में हम कुछ फ्रेश बेजल और थाइम के पत्ते डाल लेंगे। अगर फ्रेश ना हो तो आप ड्राई भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच सिरका यानी विनेगर, 1 बड़ा चम्मच केचप और 1 छोटा चम्मच चीनी का ऐड करने के बाद इस सॉस को थिक होने तक पकाएंगे। अब सारी चीजें रेडी हैं, चलिए अब पिज्जा बनाते हैं। हमने एक सरफेस पे सूखा आटा डाल लिया है और गूंदे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल के हथेलियों की मदद से उसको पिज्जा बेस का आकार देंगे। बेस को हम अवन ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे और उसके ऊपर 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल का डालेंगे। इसके बाद हम सॉस और तैयार किया हुआ चीज लगाएंगे, फिर उस पे मनचाही सब्जियों की टॉपिंग कर देंगे। प्रीहीटेड अवन में इस पिज्जा को हम लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए 300 डिग्री सेल्सियस पर पकाएंगे और ये पिज्जा हो गया तैयार। ये वीगन चीज से बना हुआ पिज्जा इतना स्वाद है कि जब आप ये खाएंगे तो डेयरी चीज वाला पिज्जा भूल जाएंगे। तो ये रेसिपी आप अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।